नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार सरकार ने अंचलाधिकारियों की रैंकिंग की जारी। बिहार सरकार अंचल कार्यालय में सुधार को लेकर कई उपाय पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अंचलाधिकारियों पर नकेल कसा जाए, क्योंकि अंचल में पदस्थापित सीओ बेवजह कामों को लटका कर रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही कार्यप्रणाली में सुधार लाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलाधिकारियों के काम के आधार पर रैंकिंग तय कर ली है, जिसमें दरभंगा का अलीनगर अंचल है, जिसे 99.81% के साथ पहला स्थान मिला है। दूसरे सबसे बेहतर काम करने वाले अंचल में मधुबनी का पंडौल है। तीसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण का रामनगर, चौथे नंबर पर कटिहार का मनिहारी अंचल और पांचवें नंबर पर भागलपुर का इस्लामपुर अंचलाधिकारी को रखा गया है। धान खरीदारी के लिए बिहार में 4000 एजेंसियों का हुआ चयन। बिहार में धान खरीदारी सहकारिता विभाग ने धान खरीदारी की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके तहत धान खरीद के लिए कुल मिलाकर 4000 एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। वहीं बेचने के लिए अब तक 72000 किसानों ने निबंधन भी करवा लिया है। इसके साथ ही 4 जिलों में किसानों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। सरकार ने पैक्सों को पैसा दे दिया है और किसानों का निबंधन भी तेजी से होना शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने 30,00,000 टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। इतनी खरीद होती है तो लगभग 55,00,000 करोड़ रुपए किसानों को बतौर कीमत मुहैया करवाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए 40% पैसा मंजूर कर दिया है, लेकिन पैक्सों को अभी लगभग 1,120 करोड़ यानी कि 20% का ही कैश क्रेडिट लिमिट दिया गया है। पूरे पैसे का लिमिट इसलिए अभी नहीं दिया गया है कि पैक्सों को सूद अधिक नहीं देना पड़े। बिहार में दिन के समय में ही धुंध छाने की बढ़ी संभावना। बिहार में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार रात के तापमान में गिरावट आ रही है, लेकिन अब अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल की माने तो 24 घंटे के दौरान आसमान साफ रहा और दिन की धूप तेज हो गई। इसके कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। अगले 48 घंटों के पूर्वानुमान में यही स्थिति बनी रहेगी और दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी देखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने रात में ठंड का आगमन हो जाने की बात भी कही है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट और पछुआ हवा या उत्तरी पश्चिम हवा के प्रभाव से हवा में कनकनी बनी रहेगी। वहीं सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की बात भी कही गई है। अवैध कोयला निकासी में देश के 45 ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी। हाल ही में बिहार के कई इलाकों से कोयला निकासी का मामला सामने आया है, जिसके बाद अवैध कोयला निकासी मामले में सीबीआई ने पटना बिहार समेत देश भर में 45 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड में सबसे ज्यादा ठिकाने शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पटना समेत 2 स्थानों पर छानबीन की गई है। सीबीआई की कोलकाता इकाई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। राजधानी पटना में ECL से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की गई है। कोल ब्लॉक आवंटन में जिन कंपनियों ने इसका ठेका लिया है, उसमें कुछ कंपनियों ने सरकारी राशि जमा नहीं की है या कुछ ने जितना टैक्स दिया है उससे कहीं ज्यादा कोयला अवैध तरीके से निकाला गया है। इसमें कई कंपनियों के साथ साझेदारी में कुछ छोटी कंपनियां भी शामिल है। कैबिनेट के विस्तार के अगले सप्ताह होने की बड़ी संभावना। विधानसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया है। वहीं सत्र के समाप्त होने के बाद ही अब कैबिनेट विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह तक कैबिनेट में विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही एनडीए की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री नामों पर मंथन करेंगे। पहले कैबिनेट का विस्तार आज यानी 29 नवंबर को होना था, लेकिन अब यह दिसंबर के पहले सप्ताह तक होने की उम्मीद है। वहीं कैबिनेट के विस्तार में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। मिथिलांचल से भी जदयू की भागीदारी हो सकती है। कैबिनेट विस्तार में जदयू के कम से कम 8 और मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है। संविधान प्रावधानों के अनुसार राज्य में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री है। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की शुरू हुई तैयारी। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर हाल ही में अपनी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद अब बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर आगामी मंगलवार को विभागीय बैठक होगी। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को गाइडलाइन के तहत कैसे अब संचालित किया जाए, ताकि केंद्रों से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ हर लाभुकों तक पहुंच सके और कोरोना संक्रमण से संक्रमित नहीं हो। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कोरोना काल में कैसे हो सके, इसको लेकर सभी CDPO और लेडीज सुपरवाइजर से रिपोर्ट मांगी गई है। और अगर केंद्रों का संचालन होगा तो आप उसे गाइडलाइन के तहत कैसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आपको बता दें, CDPO से मिली रिपोर्ट के आधार पर एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार से अनुमति मिल सके। बिजली की दरों में अगले साल तक हो सकती है बढ़ोतरी। अगले साल तक बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने पर सोच विचार किया जा रहा है, जिसके तहत बिजली कंपनी ने अगले साल 2021-22 का बिजली दर तय करने का आवेदन बिहार विद्युत विनियामक आयोग को देने के लिए आयोग से
31 दिसंबर तक का समय मांगा है। पहले यह आवेदन 15 नवंबर तक देने की समय सीमा थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण बिजली कंपनी ने अतिरिक्त समय की मांग की है। आवेदन आने के बाद आयोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। फिलहाल बिजली दर 31 मार्च 2021 तक लागू है। नई बिजली दर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। जानकारों की माने तो बिजली कंपनी अगले साल बिजली दर में 10 से 25% बढ़ोतरी का आवेदन देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय बिहार विद्युत विनियामक आयोग का होगा। शादी सीजन से पहले ही बिहार में रिफाइंड तेल की कीमत में हुआ भारी उछाल। शादी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं शादी सीजन से पहले ही रिफाइंड तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही नहीं बल्कि पाम ऑयल के भाव भी बढ़ गए हैं। इसलिए दूसरे खाद्य तेल भी महंगे हो गए। पिछले एक हफ्ते में रिफाइंड तेल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। इस वक्त रिफाइंड तेल की कीमत 120 से 150 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि सरसों तेल के दाम में पिछले 20 दिनों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। कारोबारियों की माने तो आने वाले दिनों में रिफाइंड तेल की कीमत में और इजाफा हो सकता है। बीते मई महीने से परिवहन नहीं होने के कारण दामों में उछाल आने की बात कही गई है। ठंड को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में तैयार हुआ हाईटेक रैन बसेरा। अब पटना में रह रहे लोगों को रात गुजारने के लिए ठंड से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंड को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में हाईटेक रैन बसेरा तैयार किया गया है, जिसके तहत पटना में कई जगहों पर हाईटेक रैन बसेरा बनाए गए हैं, जहां आश्रय विहीन लोगों को ठहरने की बेहतर फैसिलिटी मिलेगी। पटना सिटी के गायघाट के समीप पटना नगर निगम अजीमाबाद अंचल द्वारा आश्रय विहीन लोगों के लिए अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, जहां आश्रय विहीन लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्थाई रैन बसेरा में 50 बेड लगाए गए हैं, जिस पर तोशक तकिया गर्म कंबल के अलावा मच्छरदानी की भी व्यवस्था की गई है। शुद्ध पेयजल को लेकर जहां रैन बसेरा में एक्वा गार्ड लगा दिए गए हैं, वहीं स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। चिराग पासवान ने मध्यावधि चुनाव की संभावना को देख अपने कार्यकर्ताओं को दी तैयार रहने की नसीहत। बीते दिन लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने की नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जाने से पूर्व पार्टी के पास दो विकल्प थे। पहला, कि बिहार के 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद होने के बावजूद गठबंधन दी जा रही मात्र 15 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, और दूसरा यह कि अधिकांश सीटों पर मुकाबला करे। लोजपा संसदीय बोर्ड ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के अगले चुनाव साल 2025 से पहले भी हो सकते हैं, इसलिए हमें सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर लेनी चाहिए और अभी से लग जाना चाहिए। लालू यादव के ऑडियो की जल्द होगी फॉरेंसिक जांच। लालू प्रसाद यादव के कथित ऑडियो के बाहर आने के बाद बयानबाजियों के साथ साथ लालू यादव की परेशानी भी बढ़ गई है, जिसके बाद अब उनके कथित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार ऑडियो मामले के तुल पकड़ने के बाद पुलिस अब ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इस मामले में पुदांग निवासी भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने बरियातू थाने में लालू प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन किया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद ने भाजपा के पीरपैंती विधायक ललन पासवान से फोन पर बातचीत की, जिसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अनुपस्थित रहकर विपक्ष को सहयोग करने का प्रलोभन दिया गया था। कैबिनेट सचिव ने AAI के अधिकारियों के साथ की बैठक। दरभंगा हवाई अड्डे के सभागार में बिहार सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन एक बैठक का आयोजन करवाया गया था। इस बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे की सुविधाओं में विस्तार एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर के चर्चा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरीय पदाधिकारी जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने भाग लिया, और इस बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे की सुविधाओं में विस्तार और समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की गई है। बैठक में पार्किंग की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आयोजित बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे की सुविधाओं में विस्तार को लेकर पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार साझा किए। सुशील मोदी को राज्यसभा भेजने पर बिहार में शुरू हुई राजनीति। रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। इस बाबत राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवालिया निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा के लिए दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। शक्ति यादव ने कहा कि रीना पासवान को उम्मीदवार बनाना रामविलास पासवान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती। फिर भी भाजपा ने लोजपा की जगह अपना उम्मीदवार राज्यसभा के उपचुनाव में उतार दिया है। यह समझ से पड़े है कि आखिर किस खुंदस में भाजपा ने लोजपा के साथ ऐसा किया है। रामविलास पासवान के गुजर जाने के भाजपा ने उनके कामों को भूलने का काम किया है। चिराग के बयान पर भाजपा ने दिया जवाब। लोग
लोक जनशक्ति पार्टी ने बीते दिन संस्थापक दिवस के मौके पर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार में सरकार कभी भी गिर सकती है, लिहाजा बिहार में फिर से चुनाव होंगे, जिस पर भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम दिवंगत रामविलास पासवान जी का सम्मान करते हैं लेकिन उनकी विरासत लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने में चिराग असमर्थ नजर आ रहे हैं। निखिल आनंद ने कहा कि यही कारण है कि चिराग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं कि क्या निर्णय क्या नहीं, ठीक ढंग से सोच नहीं पाते हैं और वो तेजस्वी से कंपटीशन कर रहे हैं। जदयू नेता केसी त्यागी ने किसानों से बातचीत करने की दी सलाह। नए कृषि कानून के विरोध में किसान, विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रकट किया है। किसानों ने आशंका जताई है कि इन कानूनों के चलते उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा और कृषि उपज मंडी खत्म होने से उनकी उपज का बाजार व्यापारियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में एनडीए के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने किसानों से तत्काल बातचीत किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों को भारी नुकसान होगा, जबकि यह सच नहीं है। कृषि कानून में किसानों के लिए नए मौके खुले हैं और तभी एनडीए के सहयोगी के तौर पर हमने इन कानूनों को पारित करने में सरकार का सहयोग किया था। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए किसान कानून से किसानों को फायदा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।